वेलकम, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का मसालेदार प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप। और वक्त हो गया है बॉलीवुड की ताजा चटपटी और मसालेदार खबरों से रूबरू होने का। तो चलिए करते हैं शुरुआत बॉलीवुड की चटपटी खबरों के साथ। वेल, जरा सोचिए, अगर अच्छा खाना के साथ अच्छा गाना भी मिल जाए तो कैसा रहे। अब अनुपमा में, मेरा मतलब कि वनराज के कैफे में आप जाएंगे तो आपको खाने के साथ गाना भी मिलेगा, क्योंकि वनराज ने अपने हिडन टैलेंट को उभारने का बीड़ा जो उठा लिया है। तो देखिए, वनराज अब सिंगर बन गए हैं। चल पड़ा वनराज का कैफे तो वहीं समधन आई नया ट्विस्ट लेके। वाह भाई, वनराज के कैफे को शुरू हुए हफ्ते भी नहीं हुए और भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। देखो तो जरा वनराज का कैफे कितना भरा भरा लग रहा है। लेकिन ये कैफे के प्रमोशन का कमाल नहीं है, बल्कि राखी का कमाल है, जिन्होंने आते के साथ सबको 440 का झटका दे दिया। भाई, राखी दवे का तो काम ही यही है लोगों के ऊपर अपनी मर्जी चलाना, और राखी फिलहाल वही कर रही है। राखी वनराज की बेइज्जती कर रही है उन्हें पैसे देकर। हालांकि वनराज भी स्वाभिमानी है और उसने अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने दिया और राखी को उसके पैसे लौटा दिए। लेकिन काव्या, वो कहाँ किसी की सुनने वाली है। अगर यहाँ राखी शेर है तो काव्या सवा शेर है, और उसने इस बात को प्रूफ भी कर दिया राखी से पैसे वापस लेकर। अब राखी जो तमाशा करने आई थी वो तो करके चली गई, लेकिन अब देखना ये होगा कि राखी नाम के बॉम्ब से बचने के लिए वनराज कौन सी तरकीब लाएंगे। वैसे आपको बता दें कि टीवी सीरियल अनुपमा लगातार टीआरपी लिस्ट में छाया रहता है, और मेकर्स के साथ साथ शो से जुड़े सभी कलाकार भी लगातार मेहनत करने में जुटे हैं ताकि हर बार नंबर वन शो का खिताब अनुपमा को ही मिले। अनुपमा और वनराज के तालाक के बाद से ही सीरियल की कहानी ने जबरदस्त मोड़ लिया है, तो देखते हैं इस मोड़ के बाद कहानी और कितनी दिलचस्प होती है। कॉमेडी क्वीन के नाम से मशहूर बॉलीवुड और टीवी के दुनिया में अपनी कॉमेडी से सभी को इम्प्रेस करने वाले एक्ट्रेस और टीवी परफॉर्मर भारती सिंह हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो ओम शांति ओम के दीपिका जैसे पिंक आउटफिट में नजर आ रही हैं। आइए देखते हैं भारती का ये वायरल लुक। भारती सिंह इन तस्वीरों में काफी प्रिटी लग रही हैं। एक्ट्रेस इस दौरान अपने हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया के साथ नजर आ रही हैं। वहीं भारती को गोरेगांव के फिल्मिस्तान में स्पॉट किया गया। एक्ट्रेस के इस लुक की सबसे खास बात ये थी कि वो इस दौरान ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण के प्ले किए गए कैरेक्टर के आउटफिट में नजर आ रही हैं। उनका लुक लगभग दीपिका से एकदम सेम लग रहा है। वहीं भारती सिंह ने अपने लुक के साथ मिनिमल मेकअप लिया हुआ है। उन्होंने एयर ट्यूब्स भी पहनी है, और इसके अलावा उन्होंने अपने बालों को बांध रखा है और जूड़े पर फूल भी लगाए हैं। भारती ने फैंस को देखकर हाथ हिलाते हुए और फोटो शूट कराते हुए नजर आईं, लेकिन यहां भारती सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शायद भूल गईं। एक्ट्रेस ने खुद भी मास्क नहीं लगाया हुआ है और उनके पीछे क्रू के कुछ मेंबर्स भी बिना मास्क के नजर आए। वेल, भारती अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और क्यूट एक्टिविटीज से तो फैंस का दिल जीतती ही है। इसके अलावा वो अनेक शानदार आउटफिट में अपनी फोटोज भी शेयर करती रहती हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने कलरफुल आउटफिट में अपनी फोटो शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था, कलरफुल लाइफ होना बहुत जरूरी है, वरना कुछ लोग लाइफ में ऐसे आते हैं जो आपकी लाइफ बेरंग करने की कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। बता दें कि भारती सिंह अब कपिल शर्मा शो में नजर आएंगी। भारती ने कोरोना की दोनों वैक्सीन ले ली है। हाल ही में कपिल शर्मा ने शो की कास्ट की एक फोटो भी शेयर की थी जिसमें भारती सिंह नजर आई थी। वहीं इससे पहले भारती ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की थी कि उन्होंने द कपिल शर्मा शो के नए सीजन पर काम शुरू कर दिया है, और टीम ने हाल ही में फिर से शूटिंग और फैंस के साथ शूटिंग के अपने पहले दिन की तस्वीरें भी शेयर की। कपिल ने हाल ही में वीकेंड पर शो का प्रोमो भी जारी किया था। वहीं नए सीजन में कपिल, भारती, कृष्णा, अभिषेक, कीकू शारदा, सुदेश लहरी, चंदन प्रभाकर और अर्चना पूरन सिंह है। वहीं इस वीडियो में सुनोमा चक्रवर्ती नजर नहीं आई। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। वैसे इन दिनों इसमें दो राय तो नहीं कि ये गाना आपने सुना हो, जरूर होगा, लेकिन एक छोटे बच्चे की आवाज में। इन अब जरा इसे अपार शक्ति की आवाज में सुनिए और एंजॉय कीजिए।
अपार शक्ति ने इस गाने को पंजाबी में बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। अपार शक्ति की आवाज ने इस गाने को और भी बेहतरीन बना दिया है। वहीं फैंस को भी अपार शक्ति का बनाया ये नया वर्जन इतना पसंद आ रहा है कि अपलोड होने के कुछ ही घंटों में ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इसके साथ ही इंस्टाग्राम रील्स पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले ऑडियो में से एक बन गया है। वहीं फैंस के साथ साथ कई सेलेब्स को भी अपार शक्ति का ये गाना काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। उन्होंने अपार शक्ति को सपोर्ट करने के लिए इस पर इंस्टाग्राम रील्स भी पोस्ट किए हैं और साथ ही अपार शक्ति को उसमें टैग करते हुए इनकी तारीफ भी कर रहे हैं। अब अगर अपार के फिल्मों की बात करें तो अपार शक्ति सबसे पहले 2016 में आई फिल्म आमिर खान की फिल्म दबंग में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके काम को काफी सराहा भी गया था। वहीं इस साल भी उनकी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। अपार शक्ति कई फिल्मों जैसे बद्रीनाथ की दुल्हनिया, स्त्री, लुका छुपी, हैप्पी फिर से भाग जाएगी और बाला जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। वैसे तो बचपन का प्यार गाना पहले ही एक छोटे बच्चे की आवाज में पूरे देश में धूम मचा दी थी और अब अपार शक्ति ने उसी का पंजाबी वर्जन गाया तो ये और भी पॉपुलर हो गया है। अपार शक्ति ने इतने शानदार ढंग से गाने के सार को बरकरार रखा है और गीत को अपनी ही स्पिन दी है जो उनकी सुरीली आवाज में इसे और भी बेहतर बनाता है। वहीं ये वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले ऑडियो में से एक बन गया है। अंबरा बरसिया पानी मिट्टी दी खुशबू आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुमा कुरैशी की, जिन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग से दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं। वैसे तो हुमा ने बॉलीवुड के अलावा साउथ की फिल्मों में भी अपना परचम लहराया है और आज हुमा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। तो हुमा के इस खास दिन पर आइए जानते हैं उनके आज तक के सफर के बारे में। फिल्मों में हुमा कुरैशी के अलग अलग किरदारों ने उन्हें सिनेमा में खास पहचान दिलाई। हुमा का जन्म दिल्ली में 28 जुलाई 1986 में हुआ। हुमा मशहूर रेस्टोरेंट चेन के मालिक सलीम की बेटी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास की पढ़ाई करने के बाद हुमा थिएटर से जुड़ी। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले इन्होंने कई एड्स में भी काम किए हैं। बता दें कि एक मोबाइल कंपनी का एड करते हुए फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की नजर हुमा पर पड़ी, जिसके बाद उनकी किस्मत बदल गई। एक्ट्रेस रातों रात स्टार बन गई। फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर से हुमा ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और हुमा फिल्म इंडस्ट्री में छा गई। इन्हें इंडस्ट्री में अभी भी एक दशक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दर्शकों के बीच मशहूर जरूर हो चुकी हैं। हुमा शुरू से ही फैंस के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है। बॉलीवुड के अलावा हुमा तमिल फिल्मों में भी हाथ आजमाना चाहती थी, लेकिन फिल्म बनने में देरी की वजह से उन्होंने इसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। गैंग्स ऑफ वसीपुर के बाद हुमा कुरैशी डी डे, डेढ़ इश्किया, जॉली एलएलबी 2 और काला जैसी कई शानदार फिल्मों में नजर आई। इसके अलावा वो एक वेब सीरीज लैला में भी काम कर चुकी हैं। सलमान खान का सुपर हिट टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सबसे एंटरटेनिंग शोज में से एक है। वैसे तो इस शो में आने के लिए कई सारे सेलिब्रिटीज ट्राई करते रहते हैं ताकि वो भी अपने फैंस के बीच और पॉपुलर हो सके, तो वहीं कुछ इसे अपने बिगड़ते करियर को फिर से संवारने का एक चांस भी समझते हैं। लेकिन कई सारे सेलेब्स तो ऐसे हैं जिन्होंने इस शो के ऑफर को ठुकरा दिया है। आज हम बताएंगे आपको ऐसे ही स्टार्स के बारे में। शाइनी आहूजा को कई दफा बिग बॉस से ऑफर मिला है, लेकिन एक्टर ने हर बार इस शो का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने एक दफा एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया था कि अब समय आ गया है कि बिग बॉस वाले मुझे इस शो के लिए इनवाइट करना छोड़ दें। करण सिंह ग्रोवर टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम एक्टर्स में से एक है। जब उन्हें बिग बॉस का ऑफर मिला था तो उन्होंने ये कहते हुए इसका हिस्सा बनने से मना किया था कि इस शो का कॉन्सेप्ट उन्हें समझ नहीं आता।
बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक अपनी पहचान बनाने वाली नेहा धूपिया को शो के मेकर्स कई बार इनवाइट कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने शो का हिस्सा बनने से साफ साफ मना कर दिया है। सुरवीन चावला को बिग बॉस के 9वें सीजन के लिए ऑफर आया था, लेकिन एक्ट्रेस ने शो में काम करने से मना कर दिया था। इस बात से उनके फैंस का दिल भी टूट गया था, क्योंकि उनके फैंस चाह रहे थे कि वो शो का हिस्सा बने और खिताब अपने नाम करें। जब मियां खलीफा के बिग बॉस में शामिल होने की खबर आई थी तो लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ती हुई नजर आई थी, लेकिन मियां ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि वो इस शो का हिस्सा नहीं बन रही हैं और भारत नहीं आ रही हैं। एक दफा जैकी श्रॉफ की भी बिग बॉस में आने की खबरों ने तूल पकड़ा था, लेकिन कई सारी रिपोर्ट्स में ये सामने आया था कि एक्टर को कंटेस्टेंट नहीं बल्कि होस्ट की भूमिका के लिए ऑफर मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। विदेश से आकर भारत में अपनी पहचान बनाने वाली एवलीन शर्मा को बिग बॉस से ऑफर आया था। उस दौरान बिग बॉस में एक फॉरेनर को लेने का चलन भी था, लेकिन एवलीना ने ये ऑफर साफ साफ ठुकरा दिया था। वहीं एक दफा दिग्गज एक्टर कबीर बेदी के बिग बॉस में शामिल होने की खबरें सामने आई थी, लेकिन एक्टर ने खुद इसे एक अफवाह बताया था और एक ट्वीट के जरिए इस खबर का खंडन भी किया था। एक्टर ने लिखा था कि कुछ फिल्म जर्नलिस्ट ने मुझे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में शामिल कर दिया है, मगर माफ कीजिए, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होने जा रहा। वहीं एक्ट्रेस पूनम पांडे भी शो का हिस्सा बनने वाली थी। उन्होंने तो इस शो में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए भी मांग लिए थे, लेकिन शो के मेकर्स उन्हें सिर्फ 2 करोड़ ही देना चाहते थे, इसलिए बात नहीं बन पाई और उन्होंने शो के 7वें सीजन के दौरान ऑफर को ठुकरा दिया। वहीं साल 2015 में एक्टर उदय चोपड़ा को भी बिग बॉस से ऑफर आया था, लेकिन एक्टर ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं बिग बॉस का हिस्सा नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए नहीं बना हूं। ये शो बहुत अच्छा है। बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री की सुपर एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है। आज वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलती हैं और साथ ही एक्ट्रेस कम फिल्में करती हैं, लेकिन वहीं वो इन दिनों टीवी की दुनिया में काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में क्या है खास। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित रियलिटी शो डांस दीवाने 3 का हिस्सा है। इसमें उनके साथ न्यू जनरेशन के दिलों की धड़कन नूरा फतेही भी शामिल है। नूरा पहले से ही माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन रही है। उन्होंने हाल ही में अपने YouTube ब्लॉग में इस बारे में बात की। उन्होंने माधुरी के प्रति अपना सम्मान भी व्यक्त किया। नोरा माधुरी दीक्षित की बायोपिक करना चाहती हैं। और वहीं हाल ही में नोरा की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें नोरा फतेही ने माधुरी दीक्षित जैसी ड्रेस पहनी थी। इस दौरान वो माधुरी के सुपरहिट सॉन्ग डोला रे डोला को रिक्रिएट करती नजर आई थी। इसके अलावा एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बायोपिक में भी नोरा काम करना चाहती है। नूरा फतेही खुद को माधुरी का बहुत बड़ा प्रशंसक मानती है। वो माधुरी के साथ डांस दीवाने 3 में जज का रोल प्ले करके बहुत फक्र महसूस करती है। अपने YouTube ब्लॉग में भी नूरा ने माधुरी दीक्षित से अपनी पहली मुलाकात का एक्सपीरियंस शेयर किया था। नूरा ने कहा कि वो अपने आइडल के साथ को जज की भूमिका में है, इससे बड़ी खुशी की बात उनके लिए भला और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि वो माधुरी दीक्षित की बायोपिक में काम करने की इच्छा रखने वाली एक होपलेस ड्रीमर है। उन्होंने अपने फैंस से भी पूछा कि क्या वो भविष्य में माधुरी दीक्षित के बायोपिक में काम कर सकती हैं या नहीं। वहीं अगर नूरा के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी नूरा फतेही को इंडस्ट्री में आए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में फैली हुई है। उनके चाहने वाले हर तरफ है और एक्ट्रेस के डांस से लेकर उनकी एक्टिंग तक को खूब पसंद करते हैं। बता दें कि नूरा फतेही पिछले बार स्ट्रीट डांस 3D में नजर आई थी। मौजूदा समय में वो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया और सत्यमेव जयते 2 फिल्म का हिस्सा है। देखिए एक तो बरसात का मौसम है, ऊपर से झमाझम बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में आप नदी लेक झील वगैरह वगैरह से दूर रहे तो ही बेहतर है। लेकिन जो भी कहिए, इस मौसम में बोटिंग करने का मजा ही कुछ और है और यही वाला मजा तारक मेहता के उल्टा चश्मा में हर कोई एंजॉय कर रहा है। वो क्या है ना, पूल पार्टी जो चल रही है। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे तो सब बोर हो गए थे, तभी तो जिसको जैसे मौका मिला उसने घूमने फिरने की तैयारी कर ली। ठीक वैसे ही जैसे कि गोकुल धाम सोसाइटी वालों ने कर रखी है। अब आप सबने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि अब तक ये एक रिजॉर्ट में रह रहे थे, लेकिन अब ये एक एडवेंचर के मूड में आ गए हैं और यहाँ बोटिंग कॉम्पिटिशन भी चल रहा है। इन सब के बीच एक तरफ जेठालाल है तो दूसरी तरफ टप्पू और बाबूजी है,
तो वही मेहता जी और भिड़े भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ हैं। अब सोचिए इन सब में कौन जीतेगा। अब सिट्टी पिट्टी तो ज्यादा जेठालाल की गुम हो गई है, क्योंकि गोली जो है उसका सबसे ज्यादा ध्यान खाने पर है और वो बोट चलाने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत नहीं कर रहा है। तो आपके एक्साइटमेंट को खत्म करते हुए बता दें कि इस बोटिंग कॉम्पिटिशन में बाजी मारी है अंजलि और तारक मेहता की जोड़ी ने। जी हाँ, लेकिन भाई मेहता साहब ऐसा कहाँ मानते हैं। उनका तो कहना है कि ये जीत हमारी ही नहीं बल्कि पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की है। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे तो सब बोर हो गए थे, तभी तो जिसको जैसे मौका मिला उसने घूमने फिरने की तैयारी कर ली, ठीक वैसे ही जैसे कि गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने कर रखी है। अब आप सबने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि अब तक ये एक रिजॉर्ट में रह रहे थे, लेकिन अब ये एक एडवेंचर के मूड में आ गए हैं और यहाँ बोटिंग कॉम्पिटिशन भी चल रहा है। इन सब के बीच एक तरफ जेठालाल हैं तो दूसरी तरफ टप्पू और बाबूजी हैं, तो वही मेहता जी और भिड़े भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ हैं। अब सोचिए इन सब में कौन जीतेगा। अब सिट्टी पिट्टी तो ज्यादा जेठालाल की गुम हो गई है, क्योंकि गोली जो है उसका सबसे ज्यादा ध्यान खाने पर है और वो बोट चलाने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत नहीं कर रहा है। तो आपके एक्साइटमेंट को खत्म करते हुए बता दें कि इस बोटिंग कॉम्पिटिशन में बाजी मारी है अंजलि और तारक मेहता की जोड़ी ने। जी हाँ, लेकिन भाई मेहता साहब ऐसा कहाँ मानते हैं। उनका तो कहना है कि ये जीत हमारी ही नहीं बल्कि पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की है। KGF और मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त के फैंस के लिए गुड न्यूज है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म स्टार संजय दत्त के बर्थडे यानी 29 जुलाई के दिन इस फिल्म का एक धमाकेदार गाना रिलीज होगा। ये गाना संजय दत्त के किरदार अधीरा का इंट्रोडक्टरी सॉन्ग है, जिसमें संजय दत्त के किरदार अधीरा का ग्रैंड वेलकम दिखाया जाना है। इस गाने को बेहद बड़े स्तर पर फिल्माया गया है। फिल्म के गाने को हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल सिनेमा के बड़े गायकों ने गाया है, जबकि फिल्म के इस गाने की कोरियोग्राफी बजरंगी मोहन ने की है। फिल्म की रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है। इस फिल्म को पहले इसी साल जुलाई के महीने में रिलीज किया जाना था, जिस पर कोरोना की दूसरी लहर ने पानी फेर दिया। अब इसके बाद मेकर्स ने अभी तक फिल्म की दूसरी रिलीज डेट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। यह स्टारर फिल्म संजय दत्त मेन विलन के किरदार में दिखने वाले हैं, जबकि इस फिल्म में एक्ट्रेस रवीना टंडन भी नजर आने वाली हैं। फिल्म में यश के अपोजिट लीड रोल में कन्नड़ ब्यूटी श्रीनिधि शेट्टी हैं। एक्ट्रेस के KGF के पहले पार्ट से ही डेब्यू किया था, संजय दत्त की वजह से भी अटक रही है रिलीज डेट। वहीं आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने KGF के पहले पार्ट से ही फिल्म में डेब्यू किया था। अब इसी बीच बीते दिनों खबरें थी कि फिल्म स्टार संजय दत्त के किरदार ने अब इसी बीच बीते दिनों खबरें थी कि फिल्म स्टार संजय दत्त के किरदार के कुछ हिस्सों की डबिंग फिलहाल होना बाकी है, जिसकी वजह से ही मेकर्स इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई पक्की राय नहीं बना पा रहे। Thank you.
अच्छा, ऐसा कभी आपके साथ होता है क्या जिससे आपकी ना बनती हो उससे एकदम बनने लगे और आप उससे दोस्ती भी कर ले, लेकिन फिर भी दिल में ना एक खटका रहता है कि भाई ये जो हमारी दोस्ती हुई है वो किसी मतलब से तो नहीं हुई है ना, इसके पीछे कुछ और तो नहीं चल रहा ना। वेल, कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। वो क्या है ना, शर्लिन और प्रीता की अब दोस्ती जो हो गई है, मतलब ये तो वाकई अच्छी बात है, लेकिन न जाने मुझे क्यों खटक रहा है। खैर, आइए देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ। अब प्रीता बहू तो सब कुछ सही करना चाहती है, लेकिन जानकी आंटी को ये कहाँ पता चलेगा। जानकी आंटी ने जब शर्लिन को देखा तो भाई उनका गुस्सा कुछ इस कदर निकला कि वो अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो तो शर्लिन का असली रूप जानती है ना, ठीक वैसे ही जैसे प्रीता जानती है। लेकिन जानकी आंटी ये नहीं जानती है कि अब दोनों के बीच दोस्ती हो चुकी है। तभी तो यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे, भाई ये क्या चल रहा है, यहाँ तो पल में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, क्योंकि सीन ही कुछ ऐसा है। यहाँ शर्लिन प्रीता को सॉरी बोल रही है। भाई प्रीता, यकीन कर लीजिए, ये सपना नहीं सच है। लेकिन अब जानकी आंटी एक बार शुरू हो गई तो रुकने का नाम कहाँ लेती है। वही प्रीता चुपचाप सुन रही थी और जानकी आंटी को समझा भी रही थी। अब घर में खुशी आने वाली है और इस बात को लेकर करण और प्रीता काफी एक्साइटेड हैं। और वही घर वाले भी एक एक दिन गिन रहे हैं करण और प्रीता के जुड़वा बच्चों के लिए। लेकिन शर्लिन के रहते क्या ये हो पाएगा। और तो और, अब ट्विस्ट में एक नए किरदार सोनाक्षी की भी एंट्री हो गई है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़वेल इंडिया के साथ।